नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताती हूँ आपको कि नारियल फोड़ने के लिए हम कौन कौन से अवसर चुनते हैं। हमने कभी भी देखा है कि पूजा हो या फिर कोई जरूरी काम या कोई आवश्यक कार्य करते हैं तो उसके लिए हम अपने घर में नारियल का नारियल की व्यवस्था जरूर करते हैं, नारियल को जरूर फोड़ते हैं। लेकिन नारियल फोड़ने के भी कुछ फायदे होते हैं। जब भी हम नया व्यवसाय खोलते हैं, नए व्यवसाय के लिए हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, उस प्रॉफिट को पाने के लिए हम लोग पहले भगवान की आराधना करते हैं और फिर उसके बाद हम नारियल को फोड़ते हैं, जिससे शुद्धिकरण हो जाता है और हमारे नए व्यवसाय में हमारा प्रॉफिट होता है। तो जानते हैं नारियल हमारे कौन से अवसर पर फोड़ना ज्यादा शुभ माना जाता है। संस्कृत में नारियल को श्रीफल कहते हैं और हम कभी भी श्री का मतलब होता है लक्ष्मी माँ। हम अपने घर में लक्ष्मी माँ को विराजमान करने के लिए नारियल की व्यवस्था करते हैं ताकि लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करे और उसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट तो उसके लिए आप नारियल को फोड़ें, क्योंकि अगर आप नारियल को किसी नए व्यवसाय के लिए फोड़ते हैं तो वह कार्य दो गुना तरक्की से बढ़ेगा और उसमें प्रॉफिट आपको चार गुना होगा, जिससे माँ लक्ष्मी भी खुश रहेंगी और आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। नारियल का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। हमने पूजा पाठ में हमेशा अक्सर देखा होगा, नवरात्रों में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग नारियल नवरात्र के पहले दिन ही स्थापना कर देते हैं। एक लोटे में गंगा जल भर के या फिर जल भर कर उसके ऊपर नारियल के ऊपर कलावे से बांध कर उसे रख देते हैं। उसे जब तक रखा रहने देते हैं जब तक 9 दिन नहीं पूरे हो जाते, यानी कि माताओं के 9 दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा खास होते हैं। और खास होने पर जब 9वां दिन यानी कि नवरात्रि का टाइम आता है तो उस समय उस नारियल को फोड़कर हम घर के जो बाधाएं होती हैं वह सभी दूर करते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। वैसे नारियल हमारे मस्तिष्क यानी खोपड़ी की तरह होता है और नारियल को फोड़ना यानी कि अपने अभिमान को फोड़ना होता है। अभिमान, जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो अभिमान हमारा चकनाचूर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में और हमारे अंदर जितना भी हमारे अंदर क्रोध भरा होता है या फिर पाप किए होते हैं वे सारे के सारे चकनाचूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में नई खुशियां आती हैं, नए पुण्य शामिल हो जाते हैं। श्रीफल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर लोग खाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडी को भी बोला जाता है कि आप श्रीफल यानी कि नारियल का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी जब भी श्रीफल का यूज़ करती है या फिर खाती है तो वह अपने बच्चे को उसी क्रोध के साथ पैदा करने के लिए तैयार होती है और माँ लक्ष्मी का खुद उस बच्चे पर आशीर्वाद होता है और इसी वजह से बच्चा कोरा और सुंदर भी पैदा होता है। हमने कई बार देखा है कि नारियल को जब भी हम अपने घर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जब उसके ऊपर की जटाएं निकाली जाती हैं तो उसके ऊपर 3 आंखें बनी हुई होती हैं। आपने कभी गौर भी किया होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कभी गौर करना, अगर आपके घर में नारियल आता है तो हमेशा उसके ऊपर 3 तरह की आंखें बनी हुई होती हैं, जिसे हम भगवान शिव का रूप मानते हैं और उसी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं। यदि इन्हीं तीनों देवता की अगर आप आराधना करते हैं तो आपको आराधना अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक श्रीफल लेकर आइए, उसे तांबे के लोटे में जल भरकर नारियल के ऊपर कलावा बांधकर और उसके ऊपर लाल कलर की चुनरी में बांधकर लपेटकर अच्छे से रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख आएगा और जब तक रखिए जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता जिसकी आपने कामना की है, क्योंकि लोगों की कामनाएं कुछ ऐसी होती हैं जिसे वह विश करने के लिए अपने घर में नारियल की स्थापना कर देते हैं, जिससे कि उनके घर में या फिर उनके व्यवसाय में होने वाला प्रॉफिट जब उन्हें ज्यादा उन्नति प्राप्त होने लगती है तो उस नारियल को फोड़कर उस अभिमान को दूर करते हैं और उस पदार्थ को यानी कि नारियल को समय वितरित करते हैं, क्योंकि नारियल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से निकलने के बाद एक सॉफ्ट व्हाइट कलर का होता है जो गोला होता है, जिसे हम खा सकते हैं और पानी उस मिठास की तरह होता है जो हमारे जीवन में हमारी सारी समस्याओं को दूर करता है। और यदि आपके जीवन में शनिदेव की महादशा चल रही है तो उसके लिए भी नारियल सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि शनिदेव की दशाओं को अपने नक्षत्र में ठीक से बैठाना चाहते हैं और अपने नक्षत्र को ठीक करना चाहते हैं और शनिदेव की कृपा चाहते हैं
तो आप नारियल जरूर लेकर आए, क्योंकि नारियल शनिदेव की महादशा तक को भी दूर कर सकता है। नारियल हमारे सर की तरह होता है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन पंडित जी का मानना ये होता है और हमारे पुराणों में ग्रंथों में भी लिखा है कि नारियल को फोड़ने से हमारे जो अहंकार है और हमारी जो मनोदशा है उसे ठीक करने के लिए भी हम नारियल को फोड़ते हैं, क्योंकि नारियल जिस तरह से उसका कवच होता है वह बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारा जो छोटा सा दिमाग है वह दिमाग हमारे उत्तेजना को बढ़ाता है, हमारे कार्यों को उन्नति देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कभी कभी अगर हम नारियल को उसी रूप की तरह देखते हैं तो नारियल के अंदर मिलने वाला पदार्थ और मिलने वाला पानी आपके जीवन में मिठास भरता है और आपके जीवन से वह सारी बुरी चीज़ों को दूर करता है जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं, और मनोदशा चाहे राहु केतु की हो या शनिदेव की, उन सभी को दूर करने के लिए आप नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास ख्याल रखें, यदि आप शनिदेव की महादशा से बचना चाहते हैं तो आप भगवान के चरणों में यानी कि शनिदेव के चरणों में नारियल को अर्पित करें और अर्पित करने से पहले उसे अच्छे से वॉश कर लें और उसे कलावे से बांधें, लाल दुपट्टे से उसे ढक दें और ढकने के बाद काली उड़द की दाल और उसके साथ सरसों का तेल और फिर नारियल और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव खुश होंगे और शनिदेव को खुश करने से आपकी जितनी भी मनोदशा है वह सभी दूर हो जाएंगी। तो ये है नारियल फोड़ने के महत्व। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में प्रॉफिट हो और आपके जीवन में खुशी आए तो आप नारियल फोड़कर अहंकार को दूर करें, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हमें ज़्यादा तरक्की या फिर उन्नति मिलने लगती है तो हमारा अहंकार कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो उस अहंकार को समाप्त करने के लिए आप नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।